हेलो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभेच्छा, आपको और आपके परिवार को। सब खुश रहो और हमें भी खुश रखो, हमें सपोर्ट करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके प्यार से ही मैं इतने आगे बढ़ा हूँ और बढ़ा हूँ मुझे। और हम जा रहे हैं माँ कंकाली जी के दर्शन लेने, जो कि मैं हर महीने के पहले हफ्ते और पहले शुक्रवार के दिन जाता हूँ। कीर्ति और हम तो स्किप नहीं करते, पर ये दीक्षा बहुत स्किप कर देती है और दरअसल हम उसके लिए ही जाते हैं। और आज तो वो जा रही है, आज माता जी का सेकंड डे है। मैंने सोचा था माँ कंकाली जी के मंदिर में कभी मैं व्लॉग बनाऊं, पर मैं बना नहीं पाता था। पर आज स्पेशल एकदम ओकेशन है, माता जी आई हैं, प्रकट हुई हैं सब जगह पर, और नवरात्रि का सेकेंड डे है। और मैं जा रहा हूँ मंदिर दर्शन लेने। दीक्षा बस रेडी हो ही गई है और बाकी मैं भी बस कपड़े पहन लेता हूँ। मैंने नहा धो लिया है, सब कर लिया है। कीर्ति भी आ ही गई है। और बाकी 400 साल पुराना मंदिर है हमारी माता कंकाली जी का। और उधर एक सच्चाई है कि उनकी जो मूर्ति है, उनका जो सर है वो 45 डिग्री नीचे झुका हुआ है, जो कि सप्तमी अष्टमी के दिन हल्का सा ऊपर आता है। और बाकी बहुत सच्चाई है, मान्यता है, और बहुत प्यारा मंदिर है। मैं आपको दिखाऊंगा, माँ कंकाली जी के दर्शन लूँगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, चलते हैं सीधे माँ कंकाली जी के। ये निकल लिए हम घर से, कीर्ति में हो और भिक्षु। जय माता दी, जय माँ कंकाली, जय माता दी। वो देखिए माता जी का मंदिर दूर से दिख रहा है। अभी वहाँ पे काम चल रहा है, अभी मंदिर बन रहा है। ये हम पहुँच रहे हैं हमारे माता जी के घर। ये कुछ पे कहीं और बोल रहे हैं और डर इनको लग रहा है। ये देखिए, ये आ गए हम माता जी के मंदिर के अंदर। और अब बस आरती चालू होने वाली है। हम आरती में आप सबको भी शामिल करते हैं। ये हमारी दिशु प्रसाद बांटते हुए बच्चे को। वो देखिए बच्चा कितना उधम मचा रहा है वहाँ पे। हमने उसको आधी मिठाई दी तो बोलता है पूरी दो, उस लड़की को भी पूरी दी तो मुझे भी दो। ये डब्बे में हाथ डालने लगा। Oh, no. तो वो कैसे उधम मचा रहा है, उसे पूरी से भी टूटी हुई नहीं चाहिए, उसे पूरी सहगी ही चाहिए। माता के प्रति कितना प्यार है और लगाव है आप देख सकते हैं। कितनी मान्यता है लोगों में, इतनी श्रद्धा भावना आस्था है माँ से, बिल्कुल एकदम प्रेम करते हैं लोग। काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। देखिए आप, बढ़िया सेल्फी चल रही है माता रानी के साथ। मंदिर में काफ़ी भीड़ बढ़ते ही जा रही है, तो हम घर के लिए रवानगी लेते हैं। चलो चलते हैं मंदिर के बाहर। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और हम घर के लिए रवानगी ले रहे हैं। काफ़ी मज़ा है हमें दर्शन करने में। हमें आरती भी मिल गई, आरती मिल गई तो बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। तो चलते हैं घर पर, मिलते हैं, बात करते हैं कुछ। तो फाइनली मैं घर आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो मैंने कपड़े वगैरह बदल लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी बहन आते सात बिस्तर में सो गई। उसे इतनी तेज़ नींद लग रही थी, क्योंकि मैडम 5:30 बजे से उठी थी ना, वो तो उठ भी नहीं रही थी। जिसके लिए गए वो खुद चलने के लिए रेडी नहीं थी, उसको लेके गए। और बाकी मैंने आपको बताया था माता जी का जो भी सप्तमी अष्टमी के दिन जो उनकी जो गर्दन है 45 डिग्री मतलब ऊपर, जो नीचे है वो ऊपर होती है। तो मैं आपको सप्तमी के दिन जाऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखाऊं। और अभी मैंने आपको जो ब्लॉग में बताया आप उसमें देखना, फिर जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा उसमें देखना। देखते हैं अपना ये सच्चाई है। वैसे तो मैंने पिछले एक साल में देखा है, पिछले एक दो साल में, और बाकी मैं इस साल आपको भी दिखाऊंगा। बहुत प्यारा मंदिर है, दिल को सुकून मिला, आरती करी, इतना अच्छा लगा। बाकी सप्तमी के दिन जाके मैं हलवा पूरी का भोग लगाऊंगा, माता जी को प्रसन्न करूंगा, और जो भी मुझसे गलती हो मैं चाहूंगा वहाँ पे माफ़ करें वो मुझे, और मेरी सिस्टर जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए और होते ही रहे। बाकी उसका ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है। बाकी मिलते हैं फिर सप्तमी के दिन,
और मेरे प्यार को मेरे सॉरी प्यार को नहीं मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।